मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के रशीद कंपाउंड में पैसों के विवाद में रवाब जलील अशरफ अंसारी उर्फ रऊफ पर एक व्यक्ति ने कड़प्पा से सर पर वार कर दिया। रशीद कंपाउंड के बॉस्को स्कूल के पास रिजवान चाल में ज़्यादातर बंगाली रहते हैं जो अलग अलग तरीके से बेगारी का काम करते हैं। अमीउल मकबूल शेख उर्फ अल्ताफ जो गोल कटिंग का काम करता था, रोज़ की तरह अल्ताफ काम के लिए नाके पर दो मजदूर की तलाश में गया था और दो लोगों से काम के लिए बात भी की, मगर एक दिन की मजदूरी अल्ताफ 600 रुपये देने को राजी था। मगर इन मजदूरों ने कहा कि पैसे और बढ़ा कर देंगे तो काम पर चलेंगे, मगर बात नहीं बनी तो अल्ताफ वापस आने लगा। इसी दौरान कुछ लोग अल्ताफ के पास आए जिनमें दो का नाम सफ़ेउल और उमेदुल है। इन लोगों ने अल्ताफ पर पहले का पैसा बकाया होने का आरोप लगाकर मारपीट की। ये घटना सुबह 8 से 11 के बीच हुई, मगर उसी दिन शाम को अल्ताफ अपने दोस्त रबाब जलील अशरफ अंसारी उर्फ रऊफ से घर के दरवाजे पर बात कर रहे थे। इसी दौरान सफ़ेउल उमेदुल कई अपने साथियों के साथ वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दी, जिसमें पास में ही पड़े कड़प्पा से सर पर मार दिया, जिसकी वजह से रऊफ का सिर फट गया, जिसके बाद रऊफ को कालशेखर अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद कलवा शिवाजी अस्पताल भेज दिया गया। कलवा शिवाजी अस्पताल भेजने के बाद शिवाजी अस्पताल ने मुंबई के जेजे अस्पताल इसे भेज दिया। बताया जा रहा है कि रऊफ की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात की है जो बहुत ही रिस्की है, क्योंकि रऊफ को गहरा जख्म है, हड्डी भी टूटने की बात सामने आ रही है। इस घटना पर रऊफ की पत्नी ने क्या कहा है, हम आपको सुनाते हैं। क्या नाम आपके हस्बैंड का? रवाब जलील अंसारी। क्या हुआ था, ये पूरी घटना कैसे हुई थी? बंगाली इधर चाली में रहता है बाजू में, तो उसको मार रहे थे। उसको मारने के लिए 20-25-30 बंगाली लोग आए थे, तो वो मेरे आदमी को बुलाया था कि भाई देख मेरे को बचा, इन लोग मार रहे। वो अपना जा रहे थे बाजू में रास्ते से, तो उन्होंने देखे कि झगड़े हो रहे, तो वो बीच में गए छुड़ाने के लिए, तो पीछे से आके उनके सर पे कड़प्पे की लाठी से मार दिया। मारा ना तो उनके सर में पीछे हड्डी पे मार लग गया और सर में से खून निकलने लगा। तो जिसने मारा है क्या उसको आप लोग जानते हैं क्या? नहीं, हम लोग जानते नहीं उसको, क्योंकि वो बंगाली है, यहाँ पे रहते हैं उन लोग, वो एक साथ बहुत सारे बंगाली रहते हैं, तो हम लोग पहचानते नहीं है। मगर जो लड़के साथ में थे, आजू बाजू में सब थे, उन लोगों ने बराबर पहचाने, पुलिस वाले लेके गए उसको, वही था। लेकिन जिसने वार किया था ना इनके ऊपर, वही था वो जिसने सर में डाला था। जिसने आपके हस्बैंड को बुलाया था, लफड़ा जिसने बुलाया था, जिसने आपके हस्बैंड को बुलाया था, तो उसका क्या नाम है? उसका नाम अल्ताफ है। वो पुलिस चौकी में रहकर उन लोग औरत में कंप्लेन भी करके आए थे। तभी आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में है? कौन से हॉस्पिटल में? जे हॉस्पिटल में, बॉम्बे में, या किसी ने लिए नहीं उनके हड्डी का ऑपरेशन करने का है। जे हॉस्पिटल में हम लोगों ने रात में लेके जाके इमरजेंसी में एडमिट करे, अभी आज उनका ऑपरेशन होने वाला है, डॉक्टर बोल रहे हैं। तो किस तरह से एक बेगुनाह व्यक्ति रऊफ जिंदगी से जंग लड़ रहा है। ये जो रशीद कंपाउंड का इलाका है, यहाँ पर बंगालियों को जो घर किराए पर दिया जाता है, उसमें ज़्यादातर एक ही घर में 8 से 10 बंगाली व्यक्ति रहते हैं। फिलहाल ये आरोपी जिसके मकान में रहते थे, पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है, इस पूरे मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपियों के खिलाफ 336, 337, 338, 323, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस घटना की जांच एपीआई चाबुकसवार और मंगेश बोरसे कर रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात की गई है, आरोपियों के खोजबीन जारी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।